अरे बैंगन कौन खाता है? अगर आप बैंगन इस तरीके से बनाएंगे मसालेदार, उनको सॉटे करके, तो सबको बड़े पसंद आएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बैंगन लिया है, जिनको पहले मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके पोंछ लिया था। तो चलिए अब इनकी कटिंग करते हैं। हम यहाँ पर बैंगन में बीच में से दोनों साइड से कट लगा देंगे। और हाँ, इनको हम जल्दी ही बना लेंगे, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फिर वो जल्दी काले हो जाते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर पैन के अंदर तेल गरम करा है और यहाँ पर हमने कटिंग करे हुए बैंगन लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे नमक डालकर। बैंगन बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मतलब ये 3 से 4 मिनट में अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो अभी हम इनको 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगाकर अच्छी तरीके से पका लेते हैं। इस तरीके से मसाला बैंगन की सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमारे बैंगन सॉटे हो चुके हैं, तो चलिए एक मसाला बनाते हैं। यही जो मसाला है जो हमारे बैंगन की सब्जी को 4 चांद लगाएगा। इस मसाले से ही बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर इस मसाले को बनाते हैं तो सच में ये बैंगन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस मसाले में डेसिकेटेड कोकोनट और जो हमने मूंगफली डाली है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा। इसे सच में बहुत टेस्टी लगती है, उसके अंदर जो एक स्वीटनेस होती है वो इस सब्जी में 4 चांद लगा देती है। सभी मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब उसी सेम कढ़ाई के अंदर हम अपने बैंगन का मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल और डाला है और उसके साथ जीरा भी डाला है। जब जीरा हमारा चटक जाए तो तब इसके अंदर हम मीडियम साइज़ की कटिंग करें भी तो प्याज डालेंगे। प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अब प्याज को हम यहाँ पर लाइट पिंक होने तक भून लेते हैं। अभी जो हमारे प्याज रेडी हैं, तो अब इस स्टेज में हम इसके अंदर तैयार मसाला डालते हैं। मसाला डालने के बाद हम इसको एकदम लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। मसाले को हम जितना लो फ्लेम पर भूनेंगे ये सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो कढ़ाई छोड़ने लग गया है और उसका तेल भी अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम फ्राई करे हुए बैंगन ऐड करेंगे और बैंगन ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। ग्रेवी को थोड़ी लटपटी बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून पानी लिया है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट तक और पकाते हैं। तो फिर हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी सी बैंगन की सब्जी तैयार। इस सब्जी को आप चावल या नान रोटी के साथ खाइए, सच में बहुत टेस्टी लगती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और घर के कुछ बेसिक सामान से ही बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको बैंगन पसंद है तो आई एम श्योर कि ये सब्ज़ी भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। सो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।